उपमंडल स्वारघाट के तहत बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जंगल क्षेत्र में ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल और तारों के आसपास पेड़ों की टहनियां लटकी हैं। इस साल टहनियों की काट छांट नहीं की गई है। अघोषित कट लगने का सिलसिला जारी है, इससे लोगों में गुस्सा है। स्थानीय पंचायत प्रधान करमजीत कौर, कोटावाला पंचायत के प्रधान प्रदीप ठाकुर और अन्य ने समस्या का स्थायी रूप से समाधान करवाने का आग्रह किया है। इस बाबत जय मंजीत ने कहा कि पेड़ों के साथ टहनियों और घास को काटने के लिए जल्द ही टेंडर लगाया जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।